अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं SZB न्यूज और मैं हूं अनीला कमल। देखते हैं जाफराबाद से ब्यूरो चीफ फरीद अहमद की रिपोर्ट। साने मच के 11,000 कबीले शिया मोमिनीन के बेदर्दी से कत्ल के खिलाफ अंजुमन गुलामान आल मोहम्मद के मौलाना सैयद मुख्तार शाह नकवी, इजार अली मंगी, नज़ीर हुसैन जमाली, रांझन कमरानी और अंजुमन ताजरान के सदर आदिल हुसैन जमाली की क्यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड थे और इल्म बासी उठा रखे थे। इस मौका पर सैकड़ों अफराद की जानिब से सानिया मच के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई तहसील प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर मुजाहिरीन ने कहा कि हज़ारा कौम की नस्ल कशी की जा रही है, वो भी मुसलमान है और पाकिस्तानी है, जिनको तहफ़ फराम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि क्वेटा की सख्त सर्दी में मुजाहिरीन अपने प्यारों की लाशों के साथ धरने में बैठे हैं। हम इनके एहतजाज की मुकम्मल हिमायत करते हैं और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि शिया कौम की नस्लबंदी की जाए और हज़ारा कबीले 11 अफराद के बेदर्दी से कत्ल में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके लवाहिकीन से इंसाफ दिलवाया जाए। उनका मजीद कहना था कि शिया बरादरी तनहा नहीं है, अगर इनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए तो एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। इस मौका पर SHO गंदाफा मोहम्मद पनल खान जमाली अपनी पुलिस फोर्स के हमरा सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे थे। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहें SZB न्यूज़। फॉलो करें SZB न्यूज़ को YouTube, Twitter और Facebook पर।